अच्छी खासी सेहत वाले किसी परिचित का अचानक दिल के दौरे के कारण गुजर जाना एक बड़ा सदमा होता है, लेकिन अपने दादाजी के अचानक हुए निधन से आहत तमिलनाडु के छात्रा आकाश मनोज ने एक ऐसी तकनीक बना डाली जो उन लोगों पर मंडराने वाले दयाघात के खतरे की पहचान कर सकती है जिनमें आमतौर पर इसके कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते। दसवीं कक्षा में पढ़ रहे आकाश अपनी इस नवोन्मेषी तकनीकी के दम पर आज राष्ट्रपति भवन के इनोवेशन स्कॉलर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम के तहत राष्ट्रपति के मेहमान के रूप में रह रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत नवोन्मेषकों, लेखकों और कलाकारों को एक सप्ताह से अधिक के लिए राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिलता है। राष्ट्रपति भवन में चल रहे नवाचार उत्सव में आकाश ने कहा, आजकल साइलेंट हार्ट अटैक काफी आम हो गया है। लोग इतने स्वस्थ दिखते हैं कि उनमें दयाघात से जुड़ा कोई लक्षण दिखता ही नहीं है। मेरे दादाजी भी एकदम स्वस्थ लगते थे, लेकिन अचानक ही दिल के दौरे से उनका निधन हो गया। आकाश की ये तकनीक हमारे रक्त में FABP3 नामक प्रोटीन की मौजूदगी पर आधारित है, जिसकी मात्रा दिल तक रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति के बाधित होने का संकेत देती है। इस तकनीक में रक्त में FABP3 की मात्रा का समय समय पर विश्लेषण किया जाता है। इसकी खास बात ये है कि इसके लिए शरीर से रक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नवोन्मेष प्रदर्शनी में लगी अपनी इस तकनीक के बारे में बताते हुए आकाश ने कहा, FABP3 प्रोटीन सबसे छोटे प्रोटीनों में से एक है और ये हमारे शरीर में पाया जा सकता है। ये ऋणावेशित होता है, इसलिए धनावेश की और तेजी से आकर्षित होता है। उसके इसी गुण का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये तकनीक तैयार की है।